ये बाप इजारी यानी कि आप अपना घर कैसे ढूंढ सकते हो दुबई में। सबसे पहले तो आपको अपना घर ढूंढने के लिए क्या करना है, जी भाई, तो बाकू में खड़े होकर के दुबई के बारे में बताना थोड़ा अलग लगता है, बट हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बाप इजारी यानी कि आप अपना घर कैसे ढूंढ सकते हो दुबई में। सबसे पहले तो आपको अपना घर ढूंढने के लिए क्या करना है, या तो आप जाएंगे प्रॉपर्टी फाइंडर या डुबिजल, वहां पर आप जाकर के कोई एजेंट निकालेंगे, या फिर अपने किसी दोस्त को आप बोलेंगे कि आप हमारे लिए घर ढूंढो। तो एनी ऑफ द केसेस, आपका कोई ना कोई रेफरेंस है जो कि आपको घर दिखा रहा है या जो कि आपको बिल्डिंग में लेके जा रहा है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको घूमना पड़ेगा और बिल्डिंग के बाहर जो नंबर्स लिखे होते हैं आप उन पे कॉल करेंगे और उनसे आप अपना घर देखेंगे और उनसे अपना घर लेंगे। ये नंबर्स ढूंढ करके कॉल करने का एक फायदा ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि जो मेंटेनेंस एजेंसीज होती हैं वो आपसे ब्रोकरेज यानी कि कमीशन चार्ज नहीं करती है। तो भाई सबसे पहले तो आपने जब घर देख लिया, फाइनल कर लिया, उसके बाद में आप उनको देंगे एक एडवांस और अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि या तो पासपोर्ट रहेगा या फिर पासपोर्ट सन्ने मेरिट्स आईडी, और चेक्स भी देने पड़ते हैं। कुछ कुछ केसेस में विदाउट चेक भी आपका काम चल जाता है जहां पर आप मंथली उनको रेंटल्स देने वाले हो, बट जिस केस में आप उनको चेक देने वाले हो उसमें आपको 4 चेक, 12 चेक, 6 चेक, वॉट एवर यू डिसाइड, और सिंगल चेक वो आपको देने पड़ेंगे उनको एडवांस में। चेक्स भी दे दिए और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, तो अब बारी आती है जाकर के अपने घर का बिजली और पानी एक्टिवेट कराने की, यानी कि अब आप दीवा के पास जाएंगे, उनको अपना प्रमाइस नंबर देंगे और जारी कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे। तो अगर आप किराए पे फ्लैट ले रहे हो तो शारजा और दुबई दोनों में आप 2000 दिरहम का डिपॉजिट जमा कराते हो जो कि आपको वापस मिलता है जब आप प्रॉपर्टी वकेट कर देते हो। तो अगर आप उसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो तो आपको फिर दोबारा से वो 2000 दिरहम का डिपॉजिट उनको देना पड़ेगा और उसके बाद में आपकी बनेगी जी इजारी। तो इजारी जो है वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बोलते हैं और वो उसका चार्जेस जो आते हैं वो 210 दिरहम है और वो चार्जेस जो है वो टेनेंट ही पे करता है। तो आपने घर देख लिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, चेक्स दे दिए, इजारी आपकी साइन हो गई, लैंड डिपार्टमेंट में आप ऑफिशियल टेनेंट बन गए उस प्रॉपर्टी के। और अब अगर आपको उस प्रॉपर्टी में से आपको आपके लैंडलॉर्ड ने वकेट भी कराना है तो उसको आपको 1 साल का नोटिस देना पड़ेगा प्रायर टू योर वकेशन डेट। सपोज आपको मार्च 2021 में आपके लैंडलॉर्ड ने खाली करवाना था तो उस केस में आपको मार्च 2020 में उसको आपको नोटिस देना है कि आप प्लीज 1 साल बाद मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दें। हाँ जी, अब आती है बात चार्जेस की। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो या ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो तो वो आपसे इसमें 5% अपनी फीस चार्ज करेगा जो कि रेंटल अमाउंट की 5% होगी। साथ ही साथ इसमें आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लैंडलॉर्ड को देते हो जो कि 5% ही होता है एज कम्पेयर टू दी रेंटल। तो यानी कि अगर आपका 60,000 दिरहम का रेंट है एनुअली तो उसका 5% यानी कि 3,000 दिरहम आप ब्रोकरेज देंगे और 3,000 दिरहम आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। और आजकल की डेट में हाँ जी हाँ, कुछ ना कुछ रियायतें तो ज़रूर मिल रही हैं, तो कभी कभार ब्रोकरेज कम हो जाती है या फिर आपको जो आपका टेनेंसी पीरियड है वो 12 महीने से 13 महीने या 14 महीने तक भी जा रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ योर स्टे इन द प्रॉपर्टी इज फ्री। तो भाई ये थी कहानी दुबई में किराए पे प्रॉपर्टी लेने की। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।